अभी हम खड़े हैं बिहार म्यूजियम। अब से कुछ देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी म्यूजियम के एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उसके पहले वो वर्ल्ड जो म्यूजियम वहां गए थे। देखिए उनके आने के पहले किस तरीके की तैयारी है। पूरी सड़क को धूल न उड़े लिहाजा भिंगो दिया गया था, पानी गिराए जा रहे हैं। नगर निगम की जो टैंकर है वो लगातार नीतीश कुमार के आने के बाद इस रोड पे पानी के छींटे उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। सड़क पर धूल नहीं उड़े, बार बार इस वैन का चक्कर लगाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से पानी के जो छींटे हैं वो यहाँ पर गिराए जा रहे हैं। ये नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। हालाँकि इस पानी के अंदर कुछ केमिकल भी मिलाए गए हैं जिससे कि पोल्यूशन कम हो। बिहार का जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी हाई है। जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बताया गया है कि पोल्यूशन का जो रेट है राजधानी पटना में भी वो जहरीली हो चुकी है। यानी पोल्यूशन को ध्यान में रखें, भले ही सड़कों पर नगर निगम के द्वारा पानी का छिड़काव या केमिकल का छिड़काव कराना बेहतर हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के ठीक पहले उस जगह पर पानी का छिड़काव कराना बड़ा सवाल बनता है। कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जल जीवन हरियाली की बात करते हैं, कहते हैं कि हर हाल में बारिश के पानी को बचाना है, उन्हीं नीतीश कुमार के स्वागत में सड़कों को किस तरीके से गीला किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत में पानी बहाए जा रहे हैं सड़कों पर, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तकरीबन अब तक 6 चक्कर इस टैंकर का इस रोड पे लग चुका है। जो हाई कोर्ट के सामने से टैंकर वापस घूम के आता है और हड़ताली मोड़ के पास गोलंबर से यू टर्न मार के वो सड़क के दूसरी छोर चला जाता है और वहाँ से एक बार फिर पानी के जो फुहारे हैं उसे देते हुए, पानी के फुहारे गिराते हुए ये टैंकर बिहार म्यूजियम के सामने से गुजरता है। यही बिहार म्यूजियम जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तमाम अधिकारियों के साथ पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो काफिला था वो भी हमने दिखाया। हालांकि बताया जा रहा है कि मीडिया की एंट्री नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री के आने के पहले उनके स्वागत में मुख्यमंत्री को धूल न लगे, मुख्यमंत्री को पोल्यूशन न लगे, धूल धक्कर से मुख्यमंत्री बचे, लिहाजा पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं, केमिकल भी मिलाया गया था। तैयारी पहले से ही कर दी गई थी, मुख्यमंत्री के आने की सूचना पहले ही दे दी गई थी, लिहाजा सुबह से ही इस इलाके की साफ सफाई बेहतर कर दी गई थी, सड़कों को पहले से साफ किया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद लगातार पानी के टैंकर इस इलाके में घूम रहे हैं, जिससे कि जो छीटा पानी के पड़े इससे धूल नहीं निकले। देखिए ये तब तक प्रक्रिया चल रही है जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस इलाके से बाहर न निकल जाए। देखिए सीएम का जो काफिला है वो यहाँ पहुँचा था, उसके बाद से ही तमाम जो लोग थे उनकी एंट्री रोक दी गई थी और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत में हजारों लीटर पानी बहाए जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली की बात करता है, पानी संरक्षण की बात करता है, जल को बचाने की बात करता है, उसी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए इतने लीटर पानी क्यों बहाया गया। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बटको चाहे जहाँ काम होगा सिर्फ यहाँ, ग्रह कलेश कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली। घर बैठे पाए समाधान, अभी कॉल करें 8448277903।